गुजरात है इसलिए चुना था शाह ने 150 का आंकड़ा तोड़ना था कांग्रेस का रिकॉर्ड। नई दिल्ली। गुजरात में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब रही, हालांकि पिछली बार की तुलना में कमजोर रही। 2012 में भाजपा को 115 सीटें मिली थी और इस बार यह आंकड़ा घटकर 100 सीट के करीब नजर आ रहा है। यह बात और है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 150 सीटों का लक्ष्य तय किया था। सवाल उठता है कि शाह ने 150 सीट जीतने का लक्ष्य क्यों रखा। गुजरात विधानसभा चुनाव का इतिहास देखे तो सबसे बड़ी जीत कांग्रेस के नाम है। संभवतया कांग्रेस का यही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए शाह ने 150 सीटों का लक्ष्य तय किया था। कांग्रेस ने 1985 के चुनावों में 55.6% वोट हासिल करते हुए 182 सीटों में से 149 सीटें अपने नाम की थी। वहीं भाजपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2002 के चुनावों में सामने आया था। तपा पार्टी ने 49.9% वोट हासिल करते हुए 127 सीटें अपनी झोली में डाली थी। तब आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद, गुजरात अस्मिता और मियां मुशर्रफ जैसे नारे खूब चले थे। इससे पहले 1962, 1967, 1972, 1975, 1980, 1985 और 1990 में कांग्रेस सरकार में रही, लेकिन 1995 में मिली हार का बदला अब तक नहीं ले सकी है। 1995 से एकंड लेकर 2002, 2007 और 2012 में भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई है।